नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कांग्रेस ने नरेश मीणा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। पार्टी विरोधी कार्यशैली के चलते प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निलंबन का आदेश जारी किया है। हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई देवली सीट से कांग्रेस ने कस्तूर मीणा को मैदान में उतारा है। नरेश मीणा यहीं से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को राजस्थान सरकार की खनन लाइसेंस विस्तार याचिका पर सुनवाई होगी। आज भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और SSG शिव मंगल शर्मा ने इसका मेंशन CJI के सामने किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील पर तत्कालिक सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। इस याचिका का मकसद लगभग 23 लाख खनन पट्टों को बंद होने से रोकना है, जो सीधे तौर पर लगभग 15 लाख नौकरियों का समर्थन करते हैं। बीकानेर में नशे के खेल के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां जिले में पुलिस ने एक साथ 30 स्थानों पर दबिश देकर नशे का सामान लाखों रुपए बरामद किए और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। SP काशविंदर सागर के निर्देश अनुसार जिले में 200 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की 30 टीमें बनाई गई और एक साथ 30 जगहों पर छापेमारी की गई। खासकर मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले इलाकों में बदमाशों के ठिकानों पर छापे मारे गए। कलंबर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसके चलते रेशमा मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुवीर मीणा नाराज हो गए थे। इसी के चलते उनकी नाराजगी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके बाद पूर्व मंत्री अशोक चांदना के प्रयास से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस के नाराज पदाधिकारियों के इस्तीफे वापस लेकर आगामी चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस को विजय बनाने का संकल्प लिया। आज सुबह ही विधायक अशोक चांदना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर मीणा के आवास पर पहुंच गए और साथ बैठकर आपसी मनमुटाव को दूर किया और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 8 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। शुभम गुर्जर, इंद्रराज सिंह, विजय सैनी, नफीस खान, देवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, अभिषेक कुमार और शेख आरिफ इकबाल के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। राजस्थान में कुछ दिन पहले फर्जी दस्तावेजों के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया था, क्योंकि RMC ने केवल 12वीं पास लोगों को ही डॉक्टर बना दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राज परिवारों पर लिखे गए लेख को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दिया कुमारी समेत राजस्थान के कई नेताओं ने राहुल गांधी के लेख में जो लिखा गया है उसकी कड़ी निंदा की है। अब भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास भी राहुल गांधी के लेख पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इससे घटिया और नीचता की बात नहीं हो सकती। देश की सभ्यता का समर्थन करने में राजा महाराजाओं का बड़ा योगदान रहा है। आज हम जो अखंड भारत देख रहे हैं उसमें राजपूत क्षत्रिय समाज का बड़ा योगदान है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस लेख की निंदा की है, जिसमें उन्होंने पूर्व राज परिवारों के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अंग्रेजों और हिंदी अखबारों में अपने लेख के माध्यम से पूर्व राज परिवारों पर सारहीन आरोप लगाया है कि महाराजाओं को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। राहुल गांधी द्वारा लिखे गए लेख में पूर्व राज परिवारों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि एकीकृत भारत का सपना पूरा करने के लिए सभी राज परिवारों ने उनका सर्वस्व नौछावर कर दिया। राहुल गांधी जी को इतिहास की जानकारी नहीं है, उनके द्वारा इतिहास के तथ्यों को जाने बिना ही इस तरह के लेख लिखना नितांत अनावश्यक और निंदनीय है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को स्टेनोग्राफर निजी सहायक सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 के दोनों प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र और उनकी प्रारंभिक आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को अगर किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है तो 8 से 10 नवम्बर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर SSO ID से सवालों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 से 21 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। परीक्षा में
OMR उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग की संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 8 विषयों के लिए प्राध्यापक विद्यालय के कुल 52 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 25 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। इस परीक्षा के तहत जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज विषय की परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद एक्टर ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर में रहने वाले फैजान नामक शख्स ने ये धमकी दी है। पुलिस ने उसके फोन नंबर को ट्रैकिंग पर डाल दिया है और उसकी लोकेशन का पता लगाया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की एक टीम जांच के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई है और जल्द ही आरोपी को ढूंढकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।